बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है, यहाँ पे आप देख पाओगे मोमिन साहब, इन्होंने ये बात कही है कि बांग्लादेश चाहता है कि हमें वीजा फ्री एंट्री मिले इंडिया में। एक्चुअली ना सिर्फ इन्हें मिले, ये कहते हैं कि हम भी देने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस। यहाँ पे जी बातें हो रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया से डिमांड की है कि जो वीजा फ्री की सहूलत है वो बांग्लादेश को दी जाए, ताकि जो बांग्लादेशी इंडिया में जाना चाहते हैं, इंडिया में जॉब्स करना चाहते हैं, उसके हवाले से वीजा को लेके किसी किस्म का जो इशू है वो जो जनरेट ना हो। ठीक है, जो बांग्लादेश की जानिब से डिमांड की गई है कि जिस तरह नेपाल में और नेपाल के लोगों को और इंडिया को ये वीज़ा फ्री की सहूलत है, इंडिया के लोग नेपाल में वीज़ा के बगैर एंटर हो सकते हैं, इसी तरह जो है बांग्लादेश को भी ये फैसिलिटी दी जाए, ताकि वो जो है आराम से लाइक बांग्लादेश से इंडिया जा सकें और किसी किस्म का जो मसला है वो ना बन सके। अब यहाँ पे जी इंडिया को बहुत सारे शकों को शुबात हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश को वीज़ा फ्री की जो फैसिलिटी है, जो सहूलत है, अगर हम दे देते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी एंटी इंडियंस जो हैं बांग्लादेश से इंडिया में एंटर हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो है हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेल, यहाँ पे एक और लाइक डाउट भी है जो कि मेरा अपनी तरफ से है बांग्लादेश के लिए स्पेशली। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम ये वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, वीडियो को जी लास्ट में लाइक किया करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिमांड आई है। बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है, यहां पे आप देख पाओगे मोमिन साहब, इन्होंने ये बात कही है कि बांग्लादेश चाहता है कि हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिले इंडिया में। एक्चुअली ना सिर्फ इन्हें मिले, ये कहते हैं कि हम भी देने को तैयार है। बेसिकली ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत और नेपाल का सिस्टम है वीज़ा को लेकर, कि आपको नेपाल में जाने के लिए एज एन इंडियन सिटीज़न वीज़ा की आवश्यकता है नहीं, आप लिटरली बॉर्डर क्रॉस करके एक प्रॉपर चेक पॉइंट से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम टाइप का सिस्टम बांग्लादेश चाहता है इंडिया के साथ कि वीज़ा आप ख़त्म कर दो, बिना वीज़ा के बांग्लादेश के लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया के लोग जा सकते हैं बांग्लादेश में, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। और मैं आपको ये बता दूँ, इस चीज़ की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। आपको याद होगा 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेक इंडिया बांग्लादेश नेपाल बॉर्डरलेस, ये डिमांड करी थी उस वक्त श्रीलंका के प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे ने। एक्चुअली डिमांड हैवी वर्ड है, इनका सजेशन था, श्रीलंका का सजेशन था उस टाइम। और मैंने आपको बता दिया था कि इन द फ्यूचर इंडिया के जो आसपास के देश हैं ये एक एक करके इस बात को रेस करते रहेंगे कि इंडिया में हमारे नागरिकों को ना फ्री एंट्री दो। इंडिया में ऐसा क्यों है कि नेपाल के लोग जा सकते हैं आराम से मगर बांग्लादेश श्रीलंका के लोग आराम से नहीं जा सकते? तो इन्होंने वैसे ये कहा था कि बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में वीज़ा फ्री एंट्री का सिस्टम होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, सिंस इंडिया आज के समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, बिल्कुल देखो एज इंडियन हमें हमेशा लगेगा कि चीज़ें और बेहतर हो सकती है, और जॉब्स आ सकती हैं, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और बेहतर हो सकता है। मगर मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया के आज के समय बड़े फाइनेंशियल सेंटर बन चुके हैं, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कई लोगों को अट्रैक्ट करती है जो श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है। और तो और वैसे मैं आपको बता दूँ, हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को ऑफिशियली कभी रेस करेगी नहीं, मैंने कई बार देखा है कई ऑनलाइन फोरम्स में, रेडिट में, इवन पाकिस्तान में भी कई प्रोग्रामर्स, कई इंजीनियर्स होते हैं, वो दबे शब्दों में लिखते हैं इस बात को कि काश इंडिया के साथ ना कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो जाता कि हम लोग इंडिया में जाकर काम कर पाते, वहाँ पर पैसा कमा पाते। और ये बात काफ़ी हद तक ऑब्वियस है कि भारत में जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये बढ़ने ही वाली है। अभी हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन यही है कि कब करेगा, कि 2027-28, अब इसी बात की कैलकुलेशन हो रही है। ये बात तय है कि इंडिया पहले जर्मनी से आगे निकलेगा, उसके बाद जापान से आगे निकलेगा, वी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इंडियन रुपी भी मोस्ट प्रॉबली स्ट्रॉन्ग ही होने वाला है फ्यूचर में। ऑलरेडी आप देख लो, मैं आपको अगर एक कंपेरिजन के लिए बताऊँ,
इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करें अगर हम इंडियन करेंसी को, तो एक इंडियन रुपी के इक्विवेलेंट है 3.35 पाकिस्तानी रुपी। बांग्लादेशी टका को आप अगर देखो जो उनकी करेंसी है टका, एक इंडियन रुपी के इक्विवेलेंट है 1.32 बांग्लादेशी टका। श्रीलंकन रुपी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट रफली आप कह लो एक इंडियन रुपी के बदले 4 श्रीलंकन रुपी मिलते हैं। तो देखिए बिल्कुल, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग अमेरिका बन गए या फिर हम लोग यूरोप बन गए के लोग बस तरस रहे हैं यहाँ पे आने को, मगर इंडिया में स्टार्टअप कल्चर है, बहुत सारी नई कंपनीज ओपन हो रही है, डिमांड है हाईली स्किल्ड वर्कर्स की। तो ये जो देश है श्रीलंका, बांग्लादेश और कई और कंट्रीज है, यहाँ से डिमांड आएगी कि हमारे जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं ना, ये भी जाना चाहते हैं आपकी मार्केट में, ये भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, और इसके लिए हर बार वीज़ा के लिए अप्लाई करो, टाइम लगता है, मुश्किल प्रोसेस होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि वीज़ा फ्री सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं, कल को बांग्लादेश के जो लोग हैं वो फ्रीली इंडिया में आके काम कर पाएँ। और यहाँ पर ये अज्यूम मत कर लेना कि सिंस हम बात कर रहे हैं वीज़ा की तो सिर्फ एयर ट्रैवल ही इन्वॉल्व होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ना आज के समय प्रॉपर रेलवे नेटवर्क बिछ चुका है, जिससे बहुत ही आसानी से बांग्लादेश के लोग एक प्रॉपर वीज़ा के साथ इंडिया में एंट्री कर सकते हैं बाय ट्रेन एज वेल। फॉर एग्जांपल आपको मैत्री एक्सप्रेस के बारे में बताया होगा, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, ये लिंक्ड है विद कोलकाता, वेस्ट बंगाल कैपिटल, थ्रू मैत्री एक्सप्रेस। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, ये ट्रेन जोड़ती है कोलकाता और बांग्लादेशी सिटी खुलना को, और हर हफ्ते ये ट्रेन इंडिया से बांग्लादेश में जाती है। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अवेलेबल है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या इंडिया और बांग्लादेश में ट्रेड और माइग्रेशन का इतना पोटेंशियल है कि बांग्लादेश से स्किल्ड वर्कर्स अगर इंडिया में आते हैं या फिर और भी टाइप के वर्कर्स इंडिया में आते हैं वीजा फ्री, इससे ओवरऑल दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होगा, स्पेशली एस इंडियंस हमको पूछना होगा कि क्या इससे इंडियंस को बेनिफिट होगा। नाउ जो लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि साउथ एशिया में फ्री मूवमेंट होनी चाहिए मैन की, वो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक भी काफी बार ये बात कह चुका है कि साउथ एशिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर हमको अनलीश करना है, अनलॉक करना है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैन मेड बैरियर्स है ये हम हटा दें और बिल्कुल ओपन ट्रेड हो। इसमें ऑफ कोर्स वीजा फ्री अगर आप कर देते हैं चीजें, तो इससे ट्रेड बढ़ने का जो पोटेंशियल है ये भी काफी हद तक बढ़ जाता है। और कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इमिग्रेशन से, स्किल्ड इमिग्रेशन से काफी कुछ बेनिफिट भी किया है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए को अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ इमिग्रेंट्स इस कंट्री को स्टेट ऑफ द आर्ट एंटरप्रेन्योर्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स आप अगर देखें तो स्टीव जॉब्स के जो पेरेंट्स थे देवर इमिग्रेंट्स, बट एट द सेम टाइम देखिए बांग्लादेश के साथ ना एक इशू रहता है सिक्योरिटी का। कई ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत बार वार्न भी कर चुकी हैं। तो अगर एक कंप्लीट वीजा फ्री रजीम बन जाएगा बांग्लादेश के साथ, तो उसमें एक खतरा ये भी रहता है कि जो खराब एलिमेंट्स हैं वो बांग्लादेश से इंडिया में फ्रीली मूव ना करना स्टार्ट कर दे। और अगर हम बात करें टूरिस्ट पोटेंशियल की, तो आप ये बात जान के हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट बाहर से भारत में आते हैं, इसमें नंबर वन तो है यूएस, हालांकि इसमें ज़्यादातर इंडियन अमेरिकन ही आपको मिलेंगे, नंबर टू पे आपको मिलेगा बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश से बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आएंगे तो सिर्फ ये लोग पैसा हमारी इकोनॉमी से कमाकर अपने देश में जाएंगे, कई टूरिस्ट भी आएंगे जो इंडिया में पैसा खर्चने के लिए भी आ रहे होंगे, और इंडिया में टूरिज्म पोटेंशियल भी कमाल का है। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से क्या एक वीज़ा फ्री प्रोसेस बांग्लादेश के साथ इंडिया के लिए अच्छा आइडिया रहेगा, या फिर आप मानते हैं कि इंडिया इसके लिए अभी रेडी नहीं है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग, मे द गॉड्स। किसी रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है यहाँ पे जी, जो अब्दुल मोमिन है, AK अब्दुल मोमिन, उन्होंने जी डिमांड की है इंडिया से कि बांग्लादेश को वीजा फ्री की सहूलत दी जाए और इसके बदले में बांग्लादेश भी इंडिया को जो वीजा फ्री की फैसिलिटी है वो दे देगा।
अब यहाँ जी काफी ज्यादा डाउट्स हैं वो भी उठते हैं, लेकिन साथ ही चूंकि इंडिया जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो यहाँ पे हर एक कंट्री की कोशिश है कि ऐसा कुछ हो कि इजीली हम इंडिया में जा सकें, आ सकें और वीजा की कोई भी जो प्रॉब्लम है बीच में ना आए। तो इसी बेस पे जो है बांग्लादेश की जानिब से इंडिया से ये डिमांड की गई है। पर ये चीज तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो काफी क्लोज हैं और शेख हसीना और मोदी के दरमियान जो फ्रेंडशिप है वो भी काफी अच्छी है, लेकिन अभी तक ये चीज नहीं हुई। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है, इंडिया आया इसको अलो करता है या नहीं करता। लेकिन यहाँ पे इंडिया की जानिब से कुछ डाउट्स हैं वो रेज किए गए हैं, स्पेशली ये कि बहुत सारे एंटी इंडियंस हैं जो कि बांग्लादेश में लोग हैं उनमें से काफी बड़ी तादाद में एंटी इंडियंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया में हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी और वो हमारे लिए सेफ नहीं है। सो इस टाइप के जो डाउट्स हैं वो उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। वेल हर कंट्री में कुछ लोग आपसे प्यार करने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं आपको नहीं पसंद करते। तो इट्स नॉट नेसेसरी के ठीक है जो चीज़ें हैं वो मैसअप हो सकती हैं अगर एक बाकायदा ठीक है सिस्टम को फॉलो किया जाए, उसको फॉलो करते हुए कि एक रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश भी इस तरह के डाउट्स उठा सकता है क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तादाद में जो जो इंडियंस हैं बांग्लादेश में मौजूद हैं और वो इंडियंस जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है बिल्कुल इलीगल हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं और बांग्लादेश में आके वो पैसे भी बना रहे हैं ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई एंटी बांग्लादेश में आ जाता है ठीक है इंडिया से तो यहाँ पर बांग्लादेश के लिए भी प्रॉब्लम्स ठीक है क्रिएट हो सकती हैं। और यहाँ पर चूंकि हमेशा मैंने देखा है कि इंडिया जो है अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं बांग्लादेश में और काफ़ी ज़्यादा जो ठीक है चीज़ें इस टाइप की मैंने सुनी भी हैं और देखी भी हैं। तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पे और भी इंक्रीज हो जाए क्योंकि वह ये चीज़ बांग्लादेश को भी सोचनी है, इंडिया भी सोच रहा है अपने तरफ से जो भी उसको बेहतर लगता है। और साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो यार अभी कोई सीन नहीं नजर आ रहा और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो हैं लाइक किसी भी प्रोडक्टिव चीज़ में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और आजकल पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं जो हालात चल रहे हैं उसमें इकोनॉमी की तो कहीं बात होती हुई नजर ही नहीं आ रही। वेल अच्छा स्टेप है बांग्लादेश की जानिब से और इंडिया अगर इस डिमांड को फुलफिल करता है तो डैट इज़ वेल एंड सो गुड। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को जी आप लोग लास्ट में लाइक करें, यहाँ पे आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि आया आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि बांग्लादेश को वीज़ा फ्री की इंडिया में जाने की वीज़ा फ्री की सहूलत मिल जाए और साथ ही इंडिया भी ये सहूलत इंजॉय कर सके। आप लोग अपनी ओपिनियन जो है लास्ट में कमेंट सेक्शन में शेयर करें, वीडियो को लास्ट में शेयर करें दिल खोल के अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ओपिनियन जो है हम तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आई विल सी यू गाइस टिल देन, टेक केयर।